हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुप्रीति ब्लॉग्स में। और मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूं, और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों से थोड़ी सी बातें करना। मैं भी जानूंगी, देखूंगी कि कौन कौन जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे इस नए चैनल पर। तो ठीक है, अभी यहाँ पर बज रहा है 2:06 हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर से मैं बता दूँ कि मैं रहती हूँ चेक रिपब्लिक। यूरोप में एक कंट्री है, देश है चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक के अंदर उसका जो कैपिटल है वो है प्राग। तो मैं रहती हूँ प्राग में, और मैं आपको अपना जहाँ पे मैं रह रही हूँ ये होम टूर भी एक बार कराऊंगी इस ब्लॉग के थ्रू। और वैसे तो मैं डेली ब्लॉग्स जो है अपडेट करूँगी, अपलोड करूँगी, यहाँ की लाइफ स्टाइल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर चीज़ के बारे में जो है मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। और अगर डिटेल में नहीं बता पाई मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पे देखना, इन्जॉय करना, बहुत ही मस्त लगेगा। यहाँ पर इतनी शांति है, इतनी शांति है, गाड़ी का भी आवाज़ नहीं आता है। अगर गाड़ियाँ जा रही है ना रोड पर, वो हॉर्न नहीं मारेंगी, बिल्कुल हॉर्न नहीं मारेंगी, बिल्कुल भी नहीं। वो इतने डिसिप्लिन और ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए चलाते हैं। यहाँ बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा शांति है। मैं ज़रूर एक ब्लॉग बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। मैं अभी घर में अकेली हूँ फ़िलहाल, कोई है नहीं आस पड़ोस से भी, आपको कहीं से भी आवाज़ नहीं आएगा। बाहर मैं जाऊँ अभी आपको लेकर इस वीडियो दिखाऊँ आपको, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, किसी चीज़ का आवाज़ नहीं, इतनी शांति है। मैं इतना ज़ोर से बोल रही हूँ, ये नहीं दिन है इसलिए रात में इतना ज़ोर से बोलना अलाउ नहीं है। आफ्टर टेन आप लाउड नहीं बोल सकते हो। एक साइलेंट आवर होता है फ्रॉम 10 टू मॉर्निंग 7 o'clock, ठीक है, तो ये होता है। खैर, ये सब के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, फ़िलहाल तो मैं आप लोगों से बात करने आ गई। और मुझे अभी मन कर रहा है थोड़ा सा कॉफ़ी पीने, क्योंकि आज मैं घर से काम कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो मैं उठी थी चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, चाय तो नहीं कॉफ़ी पीऊँगी, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बीच में थोड़ा सा बातें कर लूँ। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ। आइए लाइट ऑन कर दूँ और यहाँ पर यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी रख लिया है सॉस पैन में, गैस ऑन है, चलते हैं दूध की तरफ। तो यहाँ मैं जा रही हूँ फ्रिज की तरफ, वो फ्रिज खोलेंगे, दूध निकालेंगे, और ये डब्बा जो है दूध का है, हम लोग यहाँ पर डब्बा वाला दूध ही मिलता है। यहाँ पर इंडिया जैसा नहीं कि कोई आके 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए तो वो दे के चला गया घर में एकदम फ्रेश फ्रेश। वैसे ये भी फ्रेश दूध ही होता है, नो डाउट, लेकिन मोस्टली आपको ये डब्बा वाला दूध जो है वही मिलेगा। तो मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा दूध। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं विदाउट मिल्क, और मेरे जैसे लोग जो होते हैं वो दूध डाल के पीते हैं। तो आप मुझे बताइएगा आप लोग कैसे हैं, आप लोग कॉफ़ी कैसे पीना चाहते हैं, दूध डालकर या फिर विदाउट दूध आप पीते हैं कॉफ़ी में। तो मुझे तो दूध वाला कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी कभी कभी, जस्ट थोड़ा सा सोचती हूँ कि ओहो आज थोड़ा सा हो जाए, जब मैं थोड़ी सी वो होती हूँ ना एक्टिव माइंड की, नहीं नहीं आज थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस बना जाए, ब्लैक कॉफ़ी पिया जाए, तब मैं पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा कॉफ़ी निकाल लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जो कॉफ़ी लेती हूँ वो ये नेस्कैफे का एक्सेसल 300 है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आता है इसका। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच जो है कॉफ़ी को डाल दिया है दूध में, इसे मैं मिला लूँगी। कुछ कुछ लोग होते हैं जो कॉफ़ी को ऊपर से मिलाते हैं, पहले दूध डाल लेते हैं फिर कॉफ़ी डालते हैं, मैं थोड़ा सा कॉफ़ी को उबालती हूँ। आप देख रहे हो कि मेरा जो गैस है ना वो ऑन है, और मैं इसे पूरा मिला लूँगी और इसे थोड़ा सा उबाल लूँगी, और यहाँ पर जो है मैं गैस को बंद कर दूंगी। और ये देखिए, गैस बंद करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये है हनी। यहाँ चेक रिपब्लिक में हनी को मैद बोलते हैं, मैद के वोटवी। तो ये जो है ये और कुछ नहीं, हनी है,
और यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया। मैं कॉफ़ी या चाय में मोस्टली प्रेफर करती हूँ हनी डालना। चीनी मैं पीती हूँ, खाती हूँ कभी कभी, लेकिन अगर चाय या कॉफ़ी दिन में एक से ज़्यादा हो जाए तो मैं हनी प्रेफर करती हूँ लेना, क्योंकि दो टाइम चीनी मेरे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अभी वेट लॉस जर्नी में हूँ, देखती हूँ कब मैं वेट लॉस कर पाती हूँ, इसलिए मैं चीनी जो है वो अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ अवॉइड करती हूँ। वीक में, मंथ में एक बार चलता है, बट एवरी डे नहीं। वीक में चीनी मैं बोल रही हूँ एक बार नहीं, दिन में एक बार आप चीनी लो। चीनी आपके लिए इतना अफेक्टेड नहीं, मतलब इतना हानिकारक नहीं है, बट थोड़े पोर्शन कंट्रोल में लो। तो यहाँ मैंने कॉफ़ी को जो है कप में डाल दिया है, इट लुक लाइक कि ये चाय बना है, बट ये चाय नहीं है दोस्तों, आपने तो देखा ये तो कॉफ़ी है। अब मैं इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपने सीड्स लेने। तो मैं यहाँ पर जो है कुछ कुछ सीड्स रखती हूँ, लाइक पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, तो आज मैं पम्पकिन सीड ले रही हूँ। आप भी जब भी शाम को आपको कुछ मंचिंग करें ना खाने के लिए, लाइक स्नैक्स टाइप, तो पकौड़ा भजिया खाने से अच्छा है कुछ बादाम, रोस्टेड चने, इस तरीके के सीड्स बड़े मज़े लगते हैं खाने में, बड़ा अच्छा स्वाद आता है, क्रंची क्रंची एकदम। आप भी इस तरीके के हैबिट को जो है ना फॉलो कीजिए, रादर देन कि आप समोसा भजिया पकौड़ा खाएं, इस तरीके के सीड्स, बादाम, रोस्टेड चने, मखाने, पॉपकॉर्न, इस तरीके के हैबिट को फॉलो कीजिए, बड़ा ही अच्छा होता है और आपको पूरा फिल कर देता है। तो कॉफ़ी चाय के साथ ना आप इस तरीके के सीड्स वगैरह जो है इंजॉय किया कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं कॉफ़ी और सीड्स को लेके अपने वर्क स्टेशन पे। तो पहले मैं सीड्स को रख दूँ, क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, आपको दिखा रही हूँ, और अब मैं कॉफ़ी लेके वर्क स्टेशन पे आराम से बैठूँगी और अपना काम करूँगी। तो चलिए ये जो लाइट आपको दिख रही है ना मेरे बैकग्राउंड में, बहुत ज़्यादा वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, वो जस्ट बिकॉज कि बाहर से रोशनी है और अभी दोपहर है, तो मैंने कोई लाइट वगैरह जो ओपन नहीं किया हुआ है। शाम और थोड़ा सा रात होता तो मैं लाइट ऑन करती। और दूसरी बात ये ना, ये जो इंटीरियर जो है ये पूरा वाइट बैकग्राउंड का है, तो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिखता है। थैंक गॉड कि मैंने थोड़ा ब्लू पहना हुआ है, तो मैं दिख रही हूँ। बट एनीवेज फ़िलहाल तो मैं कॉफ़ी लेकर बैठी हूँ और कुछ सीड्स लिया है मैंने, जिसे मैं कॉफ़ी के साथ थोड़ा खाऊंगी। और अभी यहाँ पर 2:30 बजने वाला है, क्योंकि यहाँ 2:26 हो रहा है। मैं फटाफट से जो है काम कर रही हूँ और फिर मैं उसके बाद आपको मिलती हूँ। बाहर का व्यू दिखाऊंगी, बहुत ही मस्त वेदर होकर के रखा हुआ है। मैं एक मिनट आपको दिखाई देती हूँ कि बाहर का जो व्यू है, मेरी बालकनी से जो व्यू है वो कितना अच्छा। और मैं जहाँ मेरा जो ये वर्क स्टेशन है ना, जो मैंने घर में सेटअप किया हुआ है, वैसे मैं 3 दिन ऑफिस जाती हूँ और 2 दिन मैं घर से काम करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है या कुछ मीटिंग्स वगैरह होता है तो मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, चार दिन और पूरे वीक में 5 दिन जाना पड़ता है। बट मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर कि मैं फ्राइडे को घर से करूँ, इसलिए कि थोड़ा सा लगता है कि हाँ, मतलब 3 दिन का जो है ना वो थोड़ा टाइम मिला है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और फिर मंडे से ऑफिस, बैक टू ऑफिस जैसा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्राइडे को जो है घर से काम करूँ, बट अभी थोड़ा सा है प्रेशर है, तो मैं ऑफिस से ही करती हूँ। आज मैं नहीं गई क्योंकि कुछ दिन से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, और आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैं रह गई। मैं कल ऑफिस जाऊँगी और फिर मैं आपको ऑफिस जब जा रही हूँगी तो उसका भी व्यू दिखाऊँगी, ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब कुछ दिखाऊँगी आप लोगों को। फिलहाल मैं आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ और आप देखो कि कैसा मौसम होकर रखा हुआ है, और आप भी इंजॉय करो। चलिए आइए बाहर चलती हूँ मैं आप लोगों के साथ में।
तो ये मैं चली आपको बाहर दिखाने, और ये है तुलसी जी, तुलसी मैया, कर लो प्रणाम। सुबह सुबह हम करते हैं इनकी पूजा और इन्हें भी रखें हम अपने यूरोप में। और ये है मेरा छोटा सा बालकनी, और ये देखिए व्यू। और मैंने आपको बोला था ना, मौसम हुआ है बड़ा सुहावना सा और बादल पूरे छाए हुए हैं, हरे हरे ग्रीनरी एकदम नेचर दिखा रही हूँ आपको, बड़ा ही अच्छा लगता है दोस्तों। यकीन मानिए मुझे इतना अच्छा पॉजिटिविटी फील आता है ना ये ग्रीनरी देख कर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बहुत। तो देखा आपने बाहर का व्यू कितना अच्छा है, और ये इतना ज़्यादा वाइट लाइट जो आ रहा है ना, वो जस्ट बिकॉज कि बाहर से रोशनी आ रहा है। घर में मैंने कुछ ऑन नहीं करके रखा हुआ है लाइट्स वगैरह, क्योंकि ठीक है इतना मैं लाइट वगैरह ऑन करूँगी, मैं शाम को मैं ऑन करूँगी, तो अभी फ़िलहाल ठीक है, मुझे लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया है। और देखो अभी अभी कितना अच्छा आ रहा है ना बैकग्राउंड्स वगैरह, क्योंकि इस तरफ थोड़े से ब्राउन कलर भी आ जा रहा है, और इस तरफ क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा वो लाइट आ जा रहा है, भर भर के लाइट आ जा रहा है। तो मैं इस तरफ से ही करके बात कर रही हूँ, और मुझे आ गया है बहुत ज़्यादा काम, तो मैं जो है ये काम अपने ऑफिस का जो है निपटा लूँ, और मैं आपको शाम को मिलूँगी। अगर मैं शाम को नहीं मिली तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और आप समझना ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, वैसे भी 3 बजने वाले हैं, यहाँ पर तो शाम हो ही गया है, और वहाँ पर आपका 7:30 बज रहा होगा इंडिया में रात का। तो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए गुड नाइट, आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, स्टे फिट स्टे हेल्दी, और हेल्दी ईटिंग कीजिए, अच्छा अच्छा खाइए, हेल्दी खाना खाइए, लाइफ को इंजॉय कीजिए। सो इंजॉय योर लाइफ, और सुप्रीति ब्लॉग के साथ अपना साथ बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत, सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपको जो है ना इस वीडियो इस ब्लॉग में सुप्रीति ब्लॉग में हर दिन जो है एक नई नई ब्लॉग देखने को मिलेगी, बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी, अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।